आज की कहानी है लोमड़ी और सारस की दावत। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। उसे सूप ना पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं है क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वह सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पंछियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और अन्य सभी पंछियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। यह सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोग को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही प्यारे से मधुर और मोरल स्टोरीज हम पर डे इस चैनल पे डालते रहते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पर डे इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और खुश।